नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। हनुमान जी के समक्ष क्यों जलाया जाता है आटे का दीपक, जानिए पांच फायदे। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा होती है। इस दिन उन्हें लौंग, इलायची, सुपारी, पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। गुड़, चने का प्रसाद, लड्डू, केसर भात, इमरती, रोटी या रोट, पंचमेवा, चमेली का तेल और फूल, सिंदूर, ध्वज, जनेऊ, लाल चंदन में केसर, चोला आदि अर्पित करके आटे का दीपक जलाकर उनकी पूजा और आरती की जाती है। आप जानते हैं क्यों जलाया जाता है आटे का दीपक? किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि में सफलता हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और उसमें बत्ती लगाकर उसे प्रज्वलित करके हनुमान मंदिर में विधिवत रूप से रखते हैं। यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे पांच पत्तों पर दीपक रखें और उससे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रखते। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाने से शनि की बाधा भी दूर हो जाती है। यदि आप किसी संकट से घिरे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में बढ़ते क्रम से आटे का दीपक जलाएं। यह दीप घटती और बढ़ती संख्या में लगाए जाते हैं। एक दीप से शुरुआत करें, उसे 11 तक ले जाया जाता है। जैसे संकल्प के पहले दिन एक, फिर दो, तीन, चार, पाँच और 11 तक दीप जलाने के बाद 10, 9, 8, 7, ऐसे फिर घटते क्रम में दीप लगाए जाते हैं। यह दीप कर्ज से मुक्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी, बीमारी, संतान प्राप्ति, खुद का घर, गृह कलेश, पति पत्नी में विवाद, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी में विजय, झूठे मुकदमे और घोर आर्थिक संकट के निवारण हेतु आटे के दीप संकल्प के अनुसार जलाए जाते हैं।